गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एडी ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि दिन में 2 बजे आप लोगों की क्लास होती है, जिसमें हम लोग स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं। और देखो, कहीं ना कहीं आप लोगों का जो यूपी, अगर हम यूपी जेई की बात करें तो यूपी जेई की भी आप लोगों का जो एग्जाम हुआ नहीं था, आप लोगों ने फॉर्म भी फिलअप करे थे, तो उसके आप एग्जाम होने की मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि अप्रैल के मंथ में आप लोगों को एग्जाम देखने को मिल जाए। तो देखो, ध्यान रखना है, अब आप लोगों ने एक्टिव मोड में आ जाना है। जितने भी लोग इनएक्टिव बैठे हैं वो सब आप एक्टिव हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट सर्विसेज एग्जाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो देखो, यूपी जेई आप लोगों को देखने को मिलेगा, कब से काफी लोग इंतजार कर रहे थे। और इसका एक्सपेक्टेड अगर मंथ की बात करें तो अप्रैल मंथ आप लोगों से कहा जा रहा है कि अप्रैल मंथ में एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट हो सकता है। तो देखो, एग्जाम की भी टाइमिंग आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन हम लोग पढ़ते ही नहीं है, तो आप लोगों ने पढ़ना है। अब आप लोगों ने एक्टिव मोड में आ जाना है, क्लासेस को लेने के साथ साथ खुद भी बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगाने हैं। आप लोगों ने थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स को करना है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। और क्लास में तो जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं ये तो आप लोगों को आने ही चाहिए, ये तो मस्ट है, इसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग दिन देखा भी है कि जब भी 45-50 क्वेश्चंस होते हैं तो 4-5 क्वेश्चंस तो सब के ही गलत होते हैं, ये तो मिनिमम आपको बता रही हूँ। तो आप लोगों ने गलती नहीं करनी है, पहली बार क्लास के क्वेश्चंस में, और खुद से भी अच्छे से एफर्ट्स लगाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एग्जाम आप लोगों को देखने को मिल सकता है यूपी जेई का, काफी पहले आप लोगों ने उसका फॉर्म फिलअप करा है। तो देखिए, तो निक जी, दीपक कुमार जी, अजीत यादव जी, सभी लोगों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एसएससी जेई का फुल सिलेबस का कोर्स, जिसमें टेक्निकल रीजनिंग, जीके जीएस, तीनों पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोग कंटेंट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस कंटेंट के साथ जा सकते हैं। इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर सब कुछ प्रिपेयर है तो सपोज आप लोगों को आरसीसी में प्रॉब्लम है, सपोज आप लोगों को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है, तो आप लोग सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज के साथ भी जा सकते हैं। अब आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को यही नहीं पता लगता कि इनमें जाना कैसे है, तो ध्यान रखेंगे, अगर आप लोग ईएडी ऑनलाइन क्लासेस करके प्ले स्टोर में आप लोग टाइप करेंगे ईएडी ऑनलाइन क्लासेस, तो वहां से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को सिविल के डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर और भी क्वेरीज आप लोगों की रहती है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है, तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैम आप लोगों को पूरी तरीके से हेल्प कर देंगी। सेम इसी तरीके से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम में आप लोग ईएडी सिविल ऑफिशियली करके टाइप करोगे तो आप लोगों को ईएडी का ऑफिशियली ग्रुप देखने को मिल जाएगा, तो वहां पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्वेरीज होती है तो आप लोग वहां पे भी पूछ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करें आज के सेशन को। तो देखो, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं यूपी जेई का पेपर देखने को मिल सकता है। और मुझे पता है कि आप में से काफी स्टूडेंट्स ने वो पेपर जरूर फिलअप किया होगा, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए था वो बेसिकली। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। टोटल 45 क्वेश्चंस हैं, 45 मिनट में हम लोगों ने करने हैं। पूरी कोशिश करनी है कि एक सिंगल क्वेश्चन गलत ना हो। जब यहाँ पे कोशिश करोगे तब जाके एग्जाम में 45 में से 40 क्वेश्चन सही हो पाएंगे। तो आप लोगों ने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने की पूरी कोशिश करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर्स मार्क करें सभी लोग। सभी स्टूडेंट्स आते ही अपनी प्रेजेंस को भी जरूर मार्क करें। आप लोगों के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बताओ। देखो, क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है, अनबर्न ब्रिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड, अनबर्न ब्रिक्स को हम लोग जो पूरी तरीके से बर्न नहीं है, तो उस ब्रिक को आप लोग क्या बोलते हो? ड्राई ब्रिक्स बोलते हो, क्ले ब्रिक्स बोलते हो, कच्चा ब्रिक्स बोलते हो, या क्लैम ब्रिक्स को आंसर्स मार्क करोगे? यस, देखो अप्रैल में एक्सपेक्टेड डेट है, एग्जाम की जितनी प्रतीक्षा कर रहे हो उससे ज्यादा प्रतीक्षा इस चीज की करो कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल पे चल रही है। ये थोड़ी ना कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन तो कुछों का ही होगा और उनका ही होगा जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अपनी तैयारी पे मेन फोकस रखना है, एग्जाम तो अपने टाइम पे हो ही जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से। यस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कच्चा ब्रिक्स आप लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर। तो देखो, जब पूरी तरीके से बर्न नहीं है तो वो कच्चा ब्रिक ही होगी। क्या इसको हम लोग बड़े बड़े मशीनरी स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम लोग कच्चा ब्रिक्स की बात करें तो हमें पता है कि अनबर्न ब्रिक्स किसको बोलते हैं? जो कि सन पे ड्राई होती है, सन की प्रेजेंस में ड्राई होती है आफ्टर मोल्डिंग। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसी को हम लोग कच्चा ब्रिक्स कहते हैं। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। द कॉमनली यूज ट्रैप्स प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ अ रूम और रूफ ड्रेन एंड द अदर ड्रेनिंग कमिंग फ्रॉम द बाथ किचन ईटीसी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है।
आप लोगों से बोला गया है ऐसे ट्रैप्स को, ये कौन सा ट्रैप है जिसको आप लोग अपने रूम और जो रूफ की ड्रेन है मतलब छतों से जो पानी आ रहा है उन दोनों के जंक्शन में आप लोग प्रोवाइड करते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि बाथरूम किचन से जो ड्रेन आ रहा और आपके रूम में इन दोनों के बीच में वो ट्रैप को प्रोवाइड करते हैं? बताओ, उसे फ्लोर ट्रैप कहते हैं, नानी ट्रैप कहते हैं, गली ट्रैप कहते हो, या इंटरसेप्टिक ट्रैप आंसर जाएगा? फटाफट से आंसर्स करो। देखो, सारे क्वेश्चन जे लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खबर यह आपके पास न्यूज आ भी चुकी है कि यूपी जे का एग्जाम आप लोगों का एक्सपेक्टेड मंथ है आप लोगों का अप्रैल। तो कहीं ना कहीं देखो, फरवरी तो जाने को है, तो मार्च ही आप लोगों के पास है। आंसर्स करें सभी लोग, आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाना चाहिए? और देखो, टाइम कम है, अब आप लोगों ने अच्छे से सीरियस हो जाना है और चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि गलती होने के चांसेस मिनिमम से मिनिमम रहे। इस क्वेश्चन का आंसर्स मार्क करो। अब देखो भाई, जो सी के साथ जा रहे हो वो अच्छे आंसर्स करें, गली ट्रैप आपका आंसर जाएगा, याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये तो याद होने ही चाहिए। तो अगर आप लोगों से बोला जाता है ऐसा ट्रैप्स कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और ये कौन सा ट्रैप है, तो गली ट्रैप आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। तो देखें, तो यहाँ पे कसम दीन जी, पुष्पा जी, ट्रायन विन जी, शिलापती जी, मनोज कुमार जी, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ। तो सभी लोग यूपी को बहुत अच्छे से टारगेट करें पेपर, क्योंकि बहुत अच्छा आएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, व्हेन ऑब्जर्व्ड एफ्लोरेशंस इज मोर देन 10% बट लेस देन 50% ऑफ द एक्सपोज एरिया। अब कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बिल्कुल डेटा के साथ क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। बताओ, जब प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज को एफ्लोरेशंस कहते हो, व्हाइट पैचेस देखने को मिल रहे हैं, अब जो एरिया है उसमें एफ्लोरेशंस क्या हो गया है, मोर देन 10% हो गया है बट लेस देन 50%, तो क्या बोलोगे इसको, मॉडरेट, सीरियस, हैवी या लाइट? यस, सब्जेक्ट डिवाइड करेंगे, आपसे बोला ना मंडे से करेंगे, बिल्कुल आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको आप लोगों का माना जाएगा। बिल्कुल, इस क्वेश्चन को आंसर्स करें सभी लोग, आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाएगा, फटाफट से आंसर्स मार्क। तो देखो, हम लोग क्या कहते हैं, लेस देन 10% में आप लोग कहते हैं कि स्लाइट और एफ्लोरेशंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और मोर देन 10% बट लेस देन 50% में अगर बात करें तो मॉडरेट एफ्लोरेशंस देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। हैवी एफ्लोरेशंस कब देखने को मिलेगा, ग्रेटर देन 50% में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, द IRC रिकमेंडेशंस फॉर वार्निंग साइन इज एक्सप्रेस बाय, आप लोगों से क्वेश्चन ने पूछा है IRC रिकमेंड करती है वार्निंग साइन में कि आप लोगों का क्या देखने को मिलना चाहिए। सर्कल आपका टॉप में होना चाहिए, ट्राइंगल आपका टॉप में होना चाहिए, सी ऑप्शन को मार्क करोगे या डी के साथ? तो कविता टमटा जी, मनोज कुमार यादव जी, इंजीनियर सौरभ सिंह जी, हकीम अंसारी जी, सभी लोग शानदार आंसर्स के साथ। सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को भी जरूर मार्क करें और आंसर्स करके बताएं आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाएगा भाई, फटाफट से आंसर्स करो। तो देखो, जब हम लोग मैंडेटरी साइन की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को इस तरीके से साइन देखने को मिलता है जिसमें सर्कल आप लोगों का टॉप में होता है, आदेशात्मक जिसे हम लोग कहते हैं। वार्निंग साइन की अगर हम लोग बात करें तो साइन कैसे देखने को मिलता है आप लोगों को, इस तरीके से ट्रायंगल आप लोगों को देखने को मिलता है, ट्रायंगल ऑन टॉप। तो हम लोग क्या कह रहे हैं वार्निंग साइन में, बहुत अच्छे भाई, ऑप्शन नंबर बी, ट्रायंगल ऑन टॉप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब देखो, यहाँ पे तो वार्निंग साइन पूछ दिया है, अगर आदेशात्मक साइन बोला जाए, मैंडेटरी साइन बोला जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर्कल आप लोगों को देखने को मिलता है, तो दोनों ध्यान रखना, ट्रायंगल और सर्कल दोनों, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? तो देखो, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, एटलीस्ट अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करें। अब आगे चलें पांचवें क्वेश्चन के साथ। तो देखो, अभी चार क्वेश्चन तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर्स करें, एक सिंगल क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैम डेंसिटी पूछी जा रही है आप लोगों से, मीन स्पीड आप लोगों को 75 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, जैम डेंसिटी आपको 100 व्हीकल्स पर किलोमीटर दे रखी है, फ्री मीन स्पीड आप लोगों को 75 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है देन द कैपेसिटी फ्लो विल बी, तो कैपेसिटी फ्लो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आंसर्स करो इस क्वेश्चन का। चलो भाई, बहुत अच्छे, जिनके पास टाइम नहीं है भाई ऑफलाइन देख लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कोशिश क्या करो कि लाइव ही देख लो, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप ये सोचोगे कि इस क्लास को ऑफलाइन देख लेंगे फिर कभी कभी ऐसा होता है कि देखोगे ही नहीं, क्योंकि समय नहीं लगेगा। जब ऑनलाइन देखोगे तो आपको पता है कि क्लास का टाइम ये है, तो आपको जबरदस्ती बैठना पड़ेगा कि क्लास का टाइम 2 बजे है तो 2 बजे देखनी है। ऑफलाइन देखने के भरोसे रहोगे तो 8-10 क्लास तो ऐसी छूट जाती है, पता ही नहीं लगेगा आप लोगों को। इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करोगे फटाफट से। तो पांचवें क्वेश्चन में देखो, कैपेसिटी फ्लो बोल रहा है, तो VSF इंटू KJ डिवाइडेड बाई 4 आपको कैपेसिटी फ्लो देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्री मीन स्पीड आप लोगों को 75 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो 75 हो जाएगा,
और अगर 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ से हम लोग देखें तो कितना आ रहा, 1875 व्हीकल पर आर आप लोगों के पास आ रहा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जैम डेंसिटी आप लोगों को दे रखी है, फ्री मेन स्पीड आप लोगों को दे रखी है, तो कैपेसिटी फ्लो क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो ऋषि कुमार जी, शीलापति जी, कविता टमटा जी, इंजीनियर संतोष राज जी, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीज आर जनरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ग्रोथ इनटू। आप लोगों से ये बोला गया है कि ट्रीज को हम लोग जनरली क्लासिफाई करते हैं इसकी ग्रोथ के हिसाब से, कितने टाइप्स की हम लोगों को ट्रीज देखने को मिलती है, 2 टाइप्स की, 6 टाइप्स की, 4 टाइप्स की या 3 टाइप्स की। आंसर्स मार्क करो इस क्वेश्चन का। तो हकीम अंसारी जी, मनोज कुमार यादव जी, शीलापति जी, इंजीनियर संतोष राज जी, भाई सभी लोग शानदार आंसर्स के साथ, वेरी गुड। तो सभी लोग क्लास को भी शेयर करें। अब देखो इस साल आप लोगों को पॉजिटिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू 2020। 2020 में आप लोगों का पूरा कोरोना ही रहा था, फिर भी लास्ट टाइम तक आप लोगों को तीन चार से भी ज्यादा एग्जाम्स आप लोगों को देखने को मिले थे। अब 2022 में तो आप लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम जगह इलेक्शंस हैं, मैक्सिमम स्टेट में, तो आप लोग सोचो कि 21 काफी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग तैयारी कैसे करते हो। इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से, बहुत बढ़िया। आंसर्स किसके साथ जाएगा, 2 के साथ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। हमें पता है एक एंडोजीनियस होता है और एक एक्सोजीनियस होता है। एंडोजीनियस की बात करें तो इनवर्ड ग्रोथ देखने को मिलती है, एक्सोजीनियस की बात करें तो आउटवर्ड ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलती है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए कौन सा ट्री आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, तो आंसर क्या जाएगा, एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस को ही हम लोग प्रेफर करते हैं किसके लिए, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आंसर्स करें, देखते हैं कौन करेक्ट आंसर्स करते हैं। देखो क्या बोला है कि सीमेंट इज टेस्टेड फॉर सेटिंग टाइम। आप लोग सीमेंट को सेटिंग टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, सही है। तो बोला गया है कि जो फ्लैश सेटिंग देखने को मिलती है तो वो आप लोगों को कौन से बोगीज कंपाउंड की वजह से देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाएगा, सभी लोग कोशिश करें आंसर्स करने की और गलत नहीं करने की कोशिश करें, क्योंकि जब क्लास में ही आप लोग कोशिश करोगे कि गलत नहीं करना है, नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में भी आप लोगों का करेक्ट ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर्स आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। 6 का A आंसर्स करें, 7 का आंसर्स बताओ कि फ्लैश सेट इनिशियल सेटिंग हम लोग जिसकी बात करें तो क्या आंसर्स होना चाहिए 7 क्वेश्चन का। सभी लोग आंसर्स करें, सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को भी मार्क करें, आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाना चाहिए। 7 का D जा रहा है, 1 and 3, मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी होना चाहिए, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी। तो कोशिश करो सही आंसर्स करने की इस क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। हम लोग कहते हैं कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3A और C3S, क्योंकि आपको पता है कि C3S किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सभी लोग शानदार आंसर्स के साथ, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर्स करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवुड। अगर हम सॉफ्टवुड के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें से कौन सा है, साल है, ओक है, देवदार है या महोगनी को आंसर्स मार्क करोगे सॉफ्टवुड के लिए, आंसर्स करें इस क्वेश्चन का। तो लवि जी, ऋषि कुमार जी, शीलापति जी, डेविड जी, अजीत यादव जी, सभी लोग शानदार आंसर्स के साथ, भाई बहुत अच्छे, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर्स आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बताओ। देखो ध्यान रखेंगे, जो माहोगनी आप लोगों को देखने को मिल रही है ना, तो माहोगनी क्या है आप लोगों की, ध्यान रखना हार्डवुड है ये आप लोगों की। एक बार एक टेस्ट में आप लोगों को ये क्वेश्चन भी देखने को मिला था, तो काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे कि माहोगनी किस तरीके की वुड है, तो यहीं से पता लग रहा है, क्योंकि देखो सॉफ्ट वुड का कोई और यहाँ पे आंसर है, तो माहोगनी कौन सी वुड है, हार्डवुड है। अब आंसर करो इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन, बहुत अच्छे, देवदार क्या आप लोगों की, आप लोगों की सॉफ्ट वुड है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चीर, देवदार, पाइन, स्प्रस, ऑल आर दी सॉफ्टवुड, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग की स्क्रीन पे आंसर्स करो। देखो क्या बोला है, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल मेन रेनफोर्सिंग बार। दो आप लोगों की मेन रेनफोर्सिंग बार है, उन दोनों के बीच में हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात हो रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोगों से कहा गया है, द डायमीटर ऑफ द बार इफ द डायमीटर्स आर इक्वल। डायमीटर जो हम लोगों को देखने को मिलता है, इसमें डायमीटर्स आप लोगों के इक्वल होते हैं। सेकंड आप लोगों से बोला गया है, डायमीटर ऑफ लार्जर बार इफ द डायमीटर्स आर अनइक्वल। अगर डायमीटर्स अनइक्वल हैं तो हम लोग लार्जर बार को लेते हैं।
थर्ड आपको दिया गया है कि 5 mm मोर देन दी नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है जो दो मेन रेनफोर्सिंग बार आप लोगों को देखने को मिल रही है उसमें जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस देखने को मिल रही है तो आंसर्स क्या होगा, दो स्टेटमेंट में से जो ग्रेटर होगा उसको आंसर्स करोगे, तीनों स्टेटमेंट में से जो ग्रेटर आएगा उसको हॉरिजेंटल डिस्टेंस लोगे। क्या आंसर्स होना चाहिए इस क्वेश्चन का? देखो यूपी ट्रिपल एसएससी जेई एस्पिरेंट्स के लिए एसएससी जेई की जो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज है जिसमें 30 टेस्ट हैं, इतने इंपॉर्टेंट है। देखो 100 में आप लोगों को 30 टेस्ट मिल रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट वाइज भी आप लोगों का प्रिपेयर हो रहा है, उसमें आप लोगों का फुल लेंथ भी हो रहा है, उसको तो करो आप लोग। आपको पता है टेक्निकल मैक्सिमम लेवल आपका सेम रहता है। इस क्वेश्चन को आंसर्स करो, आंसर्स क्या जाएगा, बहुत बढ़िया भाई। जहाँ पे क्वेश्चन समझ में ना आए तो वहाँ पे आंसर्स क्या कर दो, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखेंगे जब हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात करी है तो तीनों आप लोगों की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इन तीनों में जो वैल्यू ग्रेटर आएगी वही आपका आंसर जाएगा। 10वें क्वेश्चन को आंसर्स करें भाई, देखते हैं कौन राइट आंसर्स करके बताते हैं। सभी लोग आंसर्स करें और सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को भी जरूर मार्क करें। आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर करना है जिससे कि पता रहे कि आप लोगों ने क्लास को फॉलो किया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन तक पहुंच गया। अब अपने आप को देखो कि 10 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट करें। देखो क्या बोला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडी सॉइल इज इक्वल टू, अगर सैंडी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी जाती है तो ऑप्शन नंबर ए को मार्क करोगे, बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ। फटाफट से आंसर्स करो इस क्वेश्चन का। 10वें क्वेश्चन का आंसर्स क्या होगा भाई, फटाफट से आंसर्स मार्क करें। मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर्स करके बताओगे। बी आंसर्स, वेरी गुड। सैंडी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो देखो 15 मिनट्स में हम लोगों ने, 15 मिनट्स भी नहीं 13 मिनट्स में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए, मतलब एक मिनट में एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अब देखो कि 10 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना करेक्ट करा है। 11वें क्वेश्चन के साथ चलते हैं, विच ऑफ द बिलो इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द एयर सीजनिंग। जब हम लोग एयर सीजनिंग की बात करते हैं, आप लोग वुड को कहाँ पे रख रहे हो, एयर पे रख रहे हो, तो यहाँ पे इसमें से सब डिसएडवांटेज क्या देखने को मिलता है, पावर रिक्वायरमेंट इसका डिसएडवांटेज है, स्किल सुपरविजन नहीं मिल पा रहा आप लोगों को, ये इसका डिसएडवांटेज है। सी ऑप्शन को मार्क करोगे या डी के साथ। तो कविता टमटा जी, निक जी, अजीत यादव जी, जितेंद्र जी, इंजीनियर संतोष राज जी, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर्स मार्क करो फटाफट से। तो देखो जब भी हम लोग बात कर रहे हैं एयर सीजनिंग की, मतलब कि आप लोग एयर में वुड को रख रहे हैं और फिर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से मॉइस्चर कंटेंट रिमूव हो रहा है, तो यहाँ से डिसएडवांटेज क्या देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया, कि सीजनिंग जो वाटर रिमूव हो रहा है कहीं से ज्यादा हो गया कहीं से कम हो गया, एयर सुखा रही है तो कहीं से ज्यादा कहीं से कम तो देखने को ही मिलेगा। तो आंसर्स क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग आंसर्स मार्क करोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज द मोस्ट रैपिड एंड इफेक्टिव मैथड ऑफ सीजनिंग। सबसे जल्दी और सबसे इफेक्टिव मैथड सीजनिंग की कौन सी लगती है आपको, केमिकल सीजनिंग को आंसर्स करोगे, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग को आंसर्स करोगे, क्लीन को आंसर्स करोगे या ऑप्शन नंबर डी के साथ। फटाफट से आंसर्स करो इस क्वेश्चन का, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए। सभी लोग आंसर्स करें, सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को मार्क करना बिल्कुल ना भूलें, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ, नवी राणा जी, शीलावती जी, डेविड जी, वेरी गुड, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ, वेरी गुड। आंसर्स करो इस क्वेश्चन का, आंसर्स क्या जाना चाहिए, बी ऑप्शन, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक सीजनिंग सबसे रैपिड और इफेक्टिव देखने को मिलती है, तो 12 क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर। तो जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक सीजनिंग की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने टिम्बर में हाई इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। आपको पता है कि आप लोगों का जो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि आपकी जो वुड होती है वो बैड कंडक्टर होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों की बहुत जल्दी मूव कर जाएगी तो हीट आपको हीट अप हो जाएगी पूरी की पूरी आपकी वुड, तो मॉइस्चर कंटेंट रिमूव हो जाएगा। सबसे जल्दी भी आपको ये देखने को मिलेगी, सबसे अच्छी मेथड भी इलेक्ट्रिकल सीजनिंग है, साथ ही साथ यूनिफॉर्म सीजनिंग भी देखने को मिल रही है। जो ड्रॉबैक आप लोगों का किसमें था, एयर सीजनिंग में, उसको ओवरकम कौन कर रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएमटी बार्स, बताओ टीएमटी बार्स का फुल फॉर्म क्या है। आंसर्स करें सभी लोग, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाएगा। और देखो सभी लोग कोशिश करें कि अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करें, आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर करना है और आंसर्स करके बताना है आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाएगा, फटाफट से आंसर्स करो। क्या आंसर्स करेंगे इस क्वेश्चन का? तो देखो जब भी टीएमटी बार आप लोगों से बोला जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड कहते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो फुल फॉर्म टीएमटी बार्स की क्या देखने को मिलती है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें,
द बैंगलोर मैथड ऑफ कंपोजिटिंग की कौन सी मेथड देखने को मिलती है? बैंगलोर मेथड। दो मेथड देखने को मिलती है, एक है एरोबिक मेथड और एक है आपकी आपकी एनारोबिक मेथड। एरोबिक में क्या देखने को मिलती है, ये आप लोगों का क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपसे यही पूछा गया है कि इंडोर मेथड और बैंगलोर मेथड की अगर बात हो रही है तो इंडोर मेथड तो आपकी कौन सी प्रोसेस होती है? एरोबिक। तो बैंगलोर मेथड कौन सी प्रोसेस होती है? ये भी एरोबिक होती है या एनारोबिक? आंसर्स करें सभी लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर्स करेक्ट करके बताओगे। फटाफट से आंसर्स करो इस क्वेश्चन का। तो देखो, अगर हम बैंगलोर मेथड की बात करते हैं, इंडोर मेथड की बात करते हैं तो इंडोर मेथड आपकी एरोबिक, और बैंगलोर मेथड की बात करते हैं तो एनारोबिक प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ एन एज ऑफ द पेमेंट इज 9 मीटर वाइड एंड इज क्राउन इज 15 सेंटीमीटर, कैम्बर ऑफ द पेमेंट इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर्स करो इस क्वेश्चन का। देखिए तो सुभाजीत ओझा जी, विश्वासी सिंह जी, पुष्पा सरोज जी, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ, वेरी गुड। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या होना चाहिए बताओ भाई। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि आप लोगों की जो पेमेंट है वो 9 मीटर वाइड है, ये 9 मीटर वाइड है। क्राउन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्राउन कुछ ऐसा 15 सेंटीमीटर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो कैम्बर ऑफ द पेमेंट आप लोगों से क्वेश्चन ने पूछा है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? 1 in 30 आ रहा है। तो देखो आपको ऐसा बोला गया है कि कैम्बर कितना प्रोवाइड करेंगे, तो यहां से हम लोग टेन थीटा को कैलकुलेट कर लेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 15 सेंटीमीटर, और अगर इसकी हाइट ये वाली अगर हम लोग देखें तो 4.5 मीटर देखने को मिलेगा, यस और नो? तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर 15 / 4.5 मीटर देखने को मिलेगा। 15 को आप लोग सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में कर लो तो 15 × 100 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम थीटा की बात करें तो आप लोगों को 1/30 आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या कह देंगे कि कैम्बर इस पेमेंट में क्या नजर आ रहा है, 1 in 30 का। चलो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन को आंसर करें सभी लोग, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस स्टेशन में बी मार्क्ड ऑन द ग्राउंड यूजिंग, आप लोगों से बोला गया है जब हम लोग सर्विस स्टेशन को मार्क कर रहे हैं तो पोल आंसर्स करोगे, रॉड आंसर्स करोगे, पॉइंटर आंसर्स करोगे या पैक को आंसर्स करोगे? आंसर्स करें इस क्वेश्चन का फटाफट से। अब देखो इतने सारे क्वेश्चन है आप लोगों के, तो यही क्वेश्चन आप लोगों के रिविजन में भी हैं कुछ क्वेश्चन, एंड कुछ क्वेश्चन नए भी हैं, राइट? तो 3 क्लासेस हो रही हैं, आप लोग सोच सकते हो कि 150 क्वेश्चन डेली के हो रहे हैं, और आप लोग देखें कि 1 साल से हम लोग डेली क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को रिविजन भी यहीं पे हो रहा है, नए क्वेश्चन भी यही देखने को मिल रहे हैं। और आज शाम को 8 बजे सभी लोग लाइव रहे, क्योंकि आप लोगों का LMRC 2020 के पेपर का सोल्यूशन आप लोगों का होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पैग इसे बोलते हैं, वेरी गुड। सर्विस स्टेशन के लिए पैग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द वर्टिकल हाइट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप फ्रॉम द वाटर सरफेस इन द पंप इज कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इसमें 1% स्टूडेंट होंगे जो इसका करेक्ट आंसर करेंगे, अब मुझे उम्मीद है कि 1% से ज्यादा हो। आंसर करो इस क्वेश्चन का कि आप लोगों से बोला गया है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की सेंटर लाइन से वाटर सरफेस ऑफ द पंप तक आप लोगों को कौन सा हेड देखने को मिलता है? सभी लोग आंसर्स करें आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाएगा। सक्शन हेड या डी हेड, देखो मैंने बोला था कि काफी कम लोग इसका सही आंसर्स करेंगे, तो देखो सुभाजीत ओझा जी का यहाँ पे सही आंसर्स आ रहा है भाई, एक लेवल तैयारी ऊपर चल रही है, वेरी गुड। आंसर्स क्या जाएगा, सक्शन हेड आप लोगों का आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर। तो देखो ध्यान रखना है आप लोगों ने, सेंट्रीफ्यूगल पंप की सेंटर लाइन से अगर हम बात करें और वाटर सरफेस तक, ये आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, सक्शन हेड आप लोगों को देखने को मिलता है, समझ पा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन ने पूछा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की सेंटर लाइन से पंप आप लोगों को वाटर सरफेस तक कौन सा हर हेड देखने को मिलता है, वाटर सरफेस तक, इसकी सेंटर लाइन से वाटर हेड तक हम लोग क्या कहते हैं, सक्शन हेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, आप लोगों को अगर एग्जाम में देखने को मिल जाए तो किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। क्लास में गलत हो भी जाए तो कोई बात नहीं, क्लास तो सीखने के लिए ही है, लेकिन पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इन लेवलिंग एरर्स ड्यू टू अर्थ कर्वेचर इज टू बी करेक्टेड यूजिंग, आप लोगों से बोला गया है अगर सीसी की बात हो रही है
तो आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए को मार्क करोगे बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ? फटाफट से आंसर्स करो इस क्वेश्चन का, सभी लोग आंसर्स करें, सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करें। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाना चाहिए? तो देखो, जब भी हम लोग बात करें इन लेवलिंग एरर्स ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, हाँ, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आप लोगों के अकॉर्डिंग करेक्ट है? तो देखो, अगर आप लोगों से एरर्स ड्यू टू रेफ्रेक्शन करेक्शन की बात करी जाए तो 0.0112 d² आपको देखने को मिलता है। कंबाइंड करेक्शन की बात करी जाए तो 0.0673 d² देखने को मिलता है। और एरर्स ड्यू टू अर्थ कर्वेचर्स बोला जाए तो आंसर्स आपका किसके साथ चला जाएगा? 0.0785 d². ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिनोमेना ऑफ द बल्किंग ऑफ सैंड। जब बल्किंग ऑफ सैंड की बात हो रही है, इसका मतलब सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों की नजर में करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, देखो आप लोगों को सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे? आप सैंड में क्या कर रहे हो? पानी को ऐड कर रहे हो। हमें पता है कि जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे उसके चारों ओर आप लोगों के वाटर मॉलिक्यूल्स आप लोगों के रहेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एक एक पर्टिकुलर पार्टिकल्स आप लोगों का हैवियर साइज का बन जाएगा। फिर हम लोग टोटल कहें वॉल्यूम की, तो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों की नजर में करेक्ट है? तो सुभाजीत ओझा जी, कविता टमटा जी, मनोज कुमार यादव जी, अजीत यादव जी, निक जी, शीलाबती जी, नवी राणा जी, सभी लोग बहुत शानदार आंसर्स के साथ, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को भी जरूर मार्क करें और आंसर्स भी करके बताएं। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या होना चाहिए बताओ? अब देखो, जो जितना फाइन होगा उसमें उतना ज्यादा आप लोगों को, जितनी फाइन सेंट होगी उसमें ज्यादा और वॉल्यूम आपको इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बताओ? यस, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। इट इज ड्यू टू फिल्म ऑफ वाटर अराउंड द सेंट पार्टिकल्स, इट इज ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, इट इज मोर इन फाइन सेंट्स। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर करो। देखो, बोला गया है अ कोहेसिव सॉइल एड्स अ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब की मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी दे रखी है। इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करो फटाफट से। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी प्रेजेंस को भी मार्क करें। तो देखो, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट की बात हो रही है, आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.60 दे रखी है। आपसे क्वेश्चन पूछा है वॉइड रेशियो की वैल्यू बताओ। अब बताओ इसकी वैल्यू। आप लोगों के लिए इंतजार करते हैं, आपको 30 सेकेंड का टाइम देते हैं, फटाफट से सोच समझ के आंसर्स करो। आंसर्स क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं तो गामा डी इज इक्वल टू आपको क्या देखने को मिलता है? जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E आप लोगों को देखने को मिलता है। क्वेश्चन देखो, आप लोगों से कहा है कि जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है वो 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो 16 यहाँ पे आ जाएगा। जी की बात करें तो 2.60 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू की बात करें तो 10 हो जाएगा, 1+E हो जाएगा। ई को यहाँ से कैलकुलेट करें तो 0.625 आ रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे भाई, देखे तो सुभाजीत ओझा जी का आंसर्स आते हुए, वेरी गुड। और सभी लोग बी के साथ, संजय कुमार जी, ऋषि कुमार जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो काफी लोग तो क्लास में रेगुलर भी रहते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आंसर्स ऑप्शन नंबर बी के साथ। आप देखो, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 21 पे आ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को आंसर्स करो। विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में कौन सा हमारे पास ऐसा है जो कि इतना ज्यादा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है? क्या एस्थेटिक को आंसर्स करोगे, इकोनॉमी को आंसर्स करोगे, सेफ्टी को आंसर्स करोगे या सोर्स को आंसर्स करोगे? आंसर्स करके बताएं सभी लोग। और देखो, एक तो क्लास में कम स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, एटलीस्ट जितने प्रेजेंट हो सभी लोग अपनी प्रेजेंस को भी मार्क करते हुए चलें। वीडियो को आप लोगों ने लाइक जरूर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर्स आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर में किस चीज की जरूरत नहीं है आप लोगों को? तो देखो, दिखने में तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर दिखने में ही खराब लगेगा तो मुझे नहीं लगता आप उस पानी को पी पाओगे। इकोनॉमिक होना चाहिए भाई, अगर पैसों में ज़्यादा महंगा मिलेगा पानी तो वैसे ही नहीं पी पाएंगे आधे से ज़्यादा लोग। सेफ्टी होनी चाहिए, अगर उसमें
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगी, बीमारी डिजीज हो जाएंगी हम लोगों को। तो हम लोगों पे ये डिपेंड नहीं करता कि उसका सोर्स क्या है, कहाँ से पानी आया है, डिपेंड करता है कि उसमें एस्थेटिक, इकोनॉमिक, सेफ्टी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि एस्थेटिक रेफ्यूज की वाटर में कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए, सेफ्टी मीन्स उसमें कोई केमिकल्स पैथोजेंस नहीं होने चाहिए, और इकोनॉमिक तो होना ही चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अ क्ले इज सेट टू बी इनएक्टिव इफ द एक्टिविटी इज, अगर आप लोगों से बोला जाता है कि क्ले आप लोगों की इनएक्टिव हो चुकी है तो आंसर्स क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का। चलो सभी लोग आंसर्स करें आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर्स होना चाहिए, फटाफट से आंसर्स मार्क करो। तो गलत नहीं करना है बिल्कुल भी, जहां पे भी गलती कर रहे हो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर रखो, नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन कहीं भी मिल जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कब बनेगा, जब वो एग्जाम में आ जाएगा। तो एग्जाम में गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं, ना के बराबर होने चाहिए। तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर एक्टिविटी लेस देन 0.75 है तो इनएक्टिव, 0.75 से 1.25 है तो नॉर्मल, ग्रेटर देन 1.25 है तो एक्टिव आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर्स करो इस क्वेश्चन का। तो कविता टमटा जी, पुष्पा जी, दीपक राज जी, इंजीनियर सौरभ सिंह जी, विश्वासी जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर्स मार्क करो। देखते हैं सबसे पहले आंसर्स कौन करते हैं कि कंपेंसेटेड ग्रेडियंट क्या कैलकुलेट होता है। तो ये सेकेंड आप लोगों को देते हैं, आंसर्स करो फटाफट से। ए आंसर्स आ भी चुका है। तो देखो पहले तो आप लोग जो ग्रेड कंपेंसेशन होता है उसके फॉर्मूले को आप लोग लगाओ, उसके बाद कंपेंसेटेड ग्रेडियंट पूछा गया है, फिर उसको आपने कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर्स, सभी लोग कोशिश करें कि आप लोग इसका आंसर्स करके बताएं आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर्स होना चाहिए। तो देखो हम लोग जनरली क्या कहते हैं, 30+R/R आप लोगों को देखने को मिलता है, 75/R आपको देखने को मिलता है, 30+76/76 आपको देखने को मिलता है, 75/76 आप लोगों को देखने को मिलता है। समझ पा रहे हैं, तो 30+R/R आप लोगों ने करा तो यहाँ से 1.4% आ रहा है, और यहाँ से देखें तो 1% आ रहा है। कंपेंसेटेड ग्रेडियंट आप लोगों से बोला गया है तो रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपेंसेशन होता है, तो 1:20 का आप लोगों को दे रखा है तो यहाँ से 5 आ जाएगा, और यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसको आप लोग ले लोगे, तो मिनिमम क्या है 1% है, तो 5-1 क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो क्या आंसर होगा 23 का, बहुत अच्छे सभी लोग, बहुत अच्छे, आंसर्स किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, 24 को आंसर्स करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों से सैंड सैंपल की बात हो रही है जिसमें नेचुरल वॉइड रेशियो की बात करें ई की वैल्यू तो 0.6 है, और डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू की बात करिए तो 0.60 है, और वॉइड रेशियो लूजेस स्टेट में आप लोगों से बोला गया है तो 0.9 है, और वॉइड रेशियो आप लोगों से डेंसेस स्टेट में पूछा गया, ई मैक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है, इस क्वेश्चन का आंसर्स करो, आंसर्स क्या जाएगा। बहुत अच्छे भाई सभी लोग, बहुत शानदार आंसर्स के साथ, वेरी गुड, आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या होना चाहिए। तो देखो जब हम लोग इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो सभी को पता होना चाहिए कि आप लोगों के लिए अगर हम बात करें तो आप लोगों के पास रिलेटिव इंडेक्स या डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स और डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जी आर इज इक्वल टू क्या देखने को मिलता है आप लोगों को, ई मैक्स माइनस ऑफ ई अपॉन ई मैक्स माइनस ऑफ ई मिनिमम आपको देखने को मिलता है। अब फटाफट से कैलकुलेट करो और आंसर्स करके बताओ। देखो डी आर की बात करें डेंसिटी इंडेक्स 0.60 आप लोगों को दे रखा है, ई मैक्स की बात करें तो ई मैक्स ही तो कैलकुलेट करना है, नहीं डेंसेस स्टेट में पूछा गया है तो ई मिनिमम कैलकुलेट करना है, लूजेस स्टेट में नहीं पूछा है, ई मैक्स की वैल्यू को पुट करोगे, ई क्या है आप लोगों का नेचुरल स्टेट में वॉइड रेशियो। फटाफट से आंसर्स करो, 24 का देखो आंसर्स आ गया सी, जो कि बिल्कुल गलत आंसर्स है क्योंकि आप लोगों ने कैलकुलेट ही नहीं करा है, सी ऑप्शन लग रहा है कि सी ही राइट होगा। चलो करके बताओ इस क्वेश्चन का सभी लोग, क्या आंसर्स होना चाहिए आप लोगों के लिए अकॉर्डिंग। तो देखो 0.60 ये आप लोगों को दे रखा है, ई मैक्स की वैल्यू 0.9 दे रखी है, माइनस ऑफ ई आप लोगों का क्या दे रखा है, ई आप लोगों को 0.6 दे रखा है, ई मैक्स 0.9 दे रखा है, ई मिनिमम आप लोगों ने यहां से कैलकुलेट करना है। तो ई मिनिमम इज इक्वल्स टू आपको क्या देखने को मिलेगा, 0.4 देखने को मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर। तो किसका आया बी आंसर 24 का, किसी का भी नहीं आया, देखो आप लोग कैलकुलेट ही नहीं करते हो।
आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. द लेंथ ऑफ द व्हील बेस यूजुअली कंसिडर्ड इन इंडिया इज, अगर आप लोगों से व्हील बेस की लेंथ पूछी जाए तो कितने मीटर देखने को मिलती है. ऑप्शन नंबर ए को मार्क करोगे, बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ. जो चित्रेश कुमार यादव जी, विप्रव सिविल जी, सुभाजीत ओझा जी, हकीम अंसारी जी, सभी लोग बहुत शानदार आंसर्स के साथ, वेरी गुड. आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, बताओ. तो देखो, जब भी व्हील बेस की लेंथ आप लोगों से पूछी जाती है तो लेंथ ऑफ व्हील बेस क्या देखने को मिलेगा, 6.1 मीटर आप लोगों को देखने को मिलती है. आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ. तो लेंथ ऑफ व्हील बेस कितनी होती है, 6.1 मीटर. आगे चलें, 26 क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का. आप लोगों से बोला गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो कि मीटर पर सेकंड क्यूब में है. आप लोगों से बोला गया कि डिजाइन स्पीड आप लोगों को 85 किलोमीटर पर आर यहां पे दे रखी है, तो आप बताओ कि सी की वैल्यू क्या होगी. इस क्वेश्चन का आंसर करो, सभी लोग आंसर जरूर करें. आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए, फटाफट से आंसर्स मार्क करो कि 26 का आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा. क्या करेंगे 26वें क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग जरूर मार्क करें कि 26वें क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए. तो देखो, आप लोगों से इस तरीके से पूछा है तो देखो इसको कैलकुलेट करो. सी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पूछा है, 80/75 प्लस वी आप लोगों को देखने को मिलता है, तो 80/75 प्लस 85 हो जाएगा. अब बताओ कि सी की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, 80/75 प्लस 85. अच्छे से कैलकुलेट करो. तो देखो इसकी कैलकुलेशन मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है. अब आप जिस आंसर्स को मार्क करोगे वही आंसर्स मार्क हो जाएगा. तो बताओ कि आंसर्स क्या आ रहा है एक्चुअल में. अब एक आंसर्स नहीं करोगे आप लोग, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स करोगे. बताओ यहाँ से 0.5 आ रहा है आप लोगों का, 0.6 आ रहा है, 0.7 आ रहा है या 0.8. सभी लोग आंसर जरूर करें आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा. ए आंसर्स आ रहा है, चलो भाई तो 0.5 मान लेते हैं. मुझे उम्मीद है कि राइट आंसर ही आप लोगों ने करा होगा. ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर. आगे चलें 27 के साथ. द मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन फॉर अ कर्व ऑफ रेडियस 75 मीटर इज, रेडियस 75 मीटर है, मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन आप लोगों से पूछा गया है. बताओ ए ऑप्शन को मार्क करोगे, बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ. फटाफट से आंसर करो इस क्वेश्चन का. तो विश्वासी सिंह जी, इंजीनियर संतोष राज जी, सत्तू राणा जी, कविता टमटा जी, सभी लोग बहुत शानदार आंसर्स के साथ, वेरी गुड. सभी लोग अपनी प्रेजेंस को भी जरूर मार्क करें और आंसर्स भी करके बताएं. अब बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, क्या कहेंगे आप लोग मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन के लिए आंसर्स क्या होगा. ए आंसर्स आ चुका है भाई, डेविड जी का सबसे पहले आंसर्स आता हुआ, निक जी का पहले आंसर्स आता हुआ, वेरी गुड. तो मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन 75/R होता है इन परसेंटेज में, तो 75/75 तो आपका आंसर जाएगा 1% के साथ. तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हैवी ड्यूटी ब्रिक्स एज पर द आईएस, इस क्वेश्चन को आंसर्स करो. तो हैवी ड्यूटी ब्रिक्स में आप लोगों की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या देखने को मिलती है, शुड बी नॉट लेस देन 440 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आंसर्स करोगे, 175 को आंसर्स करोगे, ऑप्शन नंबर सी को मार्क करोगे या डी के साथ. सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को भी जरूर मार्क करें और आंसर्स भी करके बताएं. आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाना चाहिए. तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हैवी ड्यूटी ब्रिक्स के लिए आंसर्स क्या होगा, 440 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मींस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर्स, बहुत ही बढ़िया. आगे चलते हैं. एचसीवी स्टैंड्स फॉर, अब बताओ कि एचसीवी में एच को क्या बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं और वी को क्या बोलते हैं, तभी इसकी फुल फॉर्म आप लोगों के सामने आ पाएगी. तो बताओ कि एचसीवी स्टैंड्स फॉर, देखो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं एटलीस्ट अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करें. स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं और स्टेट सर्विसेज में एक खुश कभी आप लोगों को ये
देखने को मिल रही है कि आप लोगों का यूपी जेई का एग्जाम कब से आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, उसकी डेट आप लोगों की एक्सपेक्टेड अप्रैल के मंथ में रह सकती है। तो जितने लोग भी लोगों ने भी उसके लिए अप्लाई करा है, सभी लोग बहुत अच्छे से सीरियस ढंग से पढ़ाई को करने लग जाएं। बताओ, एससीवी स्टैंड्स फॉर यस हैवी कॉमर्शियल व्हीकल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैफिक फ्लो इज, अगर हम बात करें कि ट्रैफिक मूव कर रहा है आप लोगों का, इस तरीके के ट्रैफिक फ्लो को आप लोग क्या कहते हैं? क्या ये स्टैटिक है, रुका हुआ फ्लो कहोगे आप इसे, या डायनामिक फ्लो कहोगे, या ऑप्शन नंबर सी को मार्क करोगे या डी के साथ? तो बहुत अच्छे सभी लोग शानदार आंसर्स के साथ भाई, वेरी गुड। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? तो देखो, ट्रैफिक फ्लो को जब फ्लो की बात कर रहे हैं तो फ्लो कैसे रुक सकता है, पहली बात तो, और व्हीकल्स तो मूव करेंगे ही करेंगे, तो हमेशा हम लोगों को डायनामिक देखने को मिलता है। तो आंसर्स क्या करेंगे आप लोग? डायनामिक, बहुत अच्छे भाई, प्रीवियस ईयर्स बिल्कुल कराएंगे आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर्स होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, रिलेशन बिटवीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 30 तक क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन और बचे हैं। ग्रेडियंट और कैम्बल, इन दोनों का रिलेशन आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के अकॉर्डिंग करेक्ट है, बी आप लोगों के अकॉर्डिंग करेक्ट है, या सी आप लोगों के अकॉर्डिंग करेक्ट है, या डी को आंसर मार्क करोगे? तो संजय कुमार जी, ऋषि कुमार जी, विश्वासी सिंह जी, इंजीनियर सौरभ सिंह जी, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर के साथ, वेरी गुड। तो देखो, कोशिश आप लोगों ने करनी है कि एक सिंगल क्वेश्चन आप लोगों से गलत ना हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करो, क्या आंसर क्या जाएगा? ग्रेडियंट और कैम्बर के बीच में रिलेशन, यस, कैम्बर इज इक्वल टू क्या कहते हैं हम लोग, हाफ ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट, तो सी इज इक्वल टू जी बाई टू। तो देखो, कुछ लोग बी भी आंसर्स करें, ये बी और सी ऐसा करते करते एग्जाम में गलती हो जाएगा। तो ध्यान रखो, एक चीज याद रखो कि कैम्बर इज इक्वल टू ग्रेडियंट डिवाइडेड बाई टू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर है आंसर सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम जैम डेंसिटी अकर्स एट, अगर आप लोग जैम डेंसिटी की बात करते हैं, जैम डेंसिटी का मतलब क्या है बताओ? हम लोग कहते हैं कि पूरा जाम आप लोगों का लग गया, तो कब लगेगा ये जाम? जब सभी अपनी स्पीड से चल रहे होंगे तब जाम लगेगा, या आप लोगों का कब जाम लगेगा? आंसर करो इस क्वेश्चन का। तो मैक्सिमम जैम डेंसिटी अकर्स एट, जीरो स्पीड में देखने को मिलेगा, 15% स्पीड में देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन को मार्क करोगे या डी के साथ? आंसर्स करें इस क्वेश्चन का, सभी लोग आंसर्स करें, सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को भी जरूर मार्क करें। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाएगा? यस, हम लोग क्या कहेंगे, जब सब व्हीकल्स की स्पीड बिल्कुल जीरो हो गई होगी तभी जैम लगेगा, तो जैम डेंसिटी मैक्सिमम भी देखने को मिलेगी, आंसर्स ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्रीट, अब देखो ये क्वेश्चन कल शाम की क्लास का है, तो कल शाम में इस क्वेश्चन में गलती हो गई, तो उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए दिन की क्लास में ये क्वेश्चन आ चुका है, तभी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि देखो, आप 150 क्वेश्चन एक दिन में हो रहे हैं, तो कंटेंट को प्रिपेयर भी करना पड़ता है, और साथ ही साथ इतना टाइम ड्यूरेशन भी होता है कि आप लोगों के 150 में से एक दो क्वेश्चन तो होता है कभी कि गलत हो जाए, राइट? तो इसी तरीके से कल शाम की क्लास में क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ था, तो इसी को रेक्टिफिकेशन के लिए ये क्वेश्चन दिन की क्लास में आ चुका है। अब आंसर्स करो कि रेडिएशन शील्डिंग में हम लोग कौन से कंक्रीट को रिकमेंड करते हैं, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट को, हैवी वेटेड कंक्रीट को, या सी ऑप्शन को मार्क करोगे या डी के साथ? ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों की बहुत जल्द चलेंगी, टेंशन ना लो बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर्स मार्क करो। फाइबर्स आंसर्स कर रहे हैं, तो देखो जो कल शाम की क्लास में होंगे वो सही आंसर्स करेंगे। देखिए पुष्पा जी का करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। तो देखो, मैंने कहा आप लोगों से जो सारी क्लासेस में रहेंगे उनकी तैयारी कुछ अलग ही लेवल पे रहेगी। आंसर्स क्या चला गया, देखो हैवी वेटेड कंक्रीट चला गया, हम लोगों ने कल शाम की क्लास में इसमें लाइट वेटेड कंक्रीट आंसर्स कर दिया, लाइट वेटेड कंक्रीट नहीं, जनरली हैवी वेटेड कंक्रीट को हम लोग यूज करते हैं रेडिएशन शील्डिंग में। तो यस, कल लाइट बताया था तभी तो आज इसको हमने चेंज कर दिया, तो अब इस चेंज वाले को याद रखना। अब कुछ ऐसे महानुभाव भी होंगे जो हमेशा लाइट ही याद रखेंगे, सही चीज को याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो ध्यान रखना इसको याद रख लेना कि हैवी वेटेड कंक्रीट होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस चेन सर्विंग इज सुटेबल, आप लोगों से बोला गया है कौन सा ऐसा केस है जिसमें चेन सर्विंग आप लोगों की सुटेबल रहती है? ऑप्शन नंबर ए को मार्क करोगे, द एरिया इज क्राउडेड विथ मैनी डिटेल्स, अगर आप लोगों का एरिया में बहुत क्राउडेड है,
बी ऑप्शन को मांग करोगे ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे अंड्यूलेशन आप लोगों को देखने को मिल रही, या ऐसा एरिया जो बहुत लार्ज है, या ऑप्शन नंबर डी को मार्क करोगे कि जहाँ पे वेल कंडीशन ट्राइंगल्स आप लोग इजीली फॉर्म कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर्स करो। मैम फाइबर भी कहीं देखा था आंसर्स? चलो भाई अब देखा था तो आप उसको चेंज कर लो, देखा गलत ही होगा आपने। और देखो आप लोग जितने क्लास में प्रेजेंट हैं उसके 50% स्टूडेंट्स ने अपनी प्रेजेंस मार्क कर रखी है, वीडियो को 50% बच्चों ने लाइक कर रखा है। तो देखो इससे क्या होगा कि आपका कंफर्म ही नहीं हो पाता कि क्लास कितने स्टूडेंट्स ने ली, ठीक है। इसीलिए मैं क्लास में बोलती हूँ कि जो ऑफलाइन में देखें वो भी वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे पता रहे कि इतने स्टूडेंट्स ने क्लास को फॉलो किया। इस क्वेश्चन को आंसर्स मार्क करो, आंसर्स क्या जाएगा 34वें का आंसर्स। बहुत अच्छे भाई, संजय कुमार जी, विश्वासी सिंह जी, कसम जी भाई, कविता टमटा जी, सभी लोग बहुत शानदार आंसर्स के साथ, वेरी गुड। वेल कंडीशन ट्राइंगल्स को हमारा फॉर्म करना जहाँ पे इजी होता है वहीं पे चेन सर्विंग को आप लोग एडॉप्ट करते हैं। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को आंसर्स करें सभी लोग, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर्स होना चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है, काफी लोग क्लास में बहुत खुश हैं, खुशी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजाइन वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ टू लेन टू वे ट्रैफिक। दो लेन है आप लोगों के, दो वे ट्रैफिक है, तो हमारे पास यहाँ पे डिजाइन वैल्यू क्या होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं। बी ऑप्शन को मार्क करोगे सी के साथ या डी के साथ? आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा भाई, फटाफट से आंसर मार्क करो। तो हम लोग जनरली क्या कहते हैं, जहां पे दो लेन है, दो वे ट्रैफिक है, वहां पे क्या होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस? यस, हम लोग कहेंगे वहां पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के ही इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वन लेन टू वे ट्रैफिक है तो ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब देखो कुछों को सी भी याद आ रहा है तो ये गलती नहीं करनी है। सी वाले वन लेन टू वे ट्रैफिक के लिए होता है, टू लेन टू वे ट्रैफिक के लिए इक्वल्स टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर्स करें सभी लोग, आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाना चाहिए। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या होगा? जब हम लोग क्या कह रहे हैं, आप लोग इन्फॉर्मेशन बोर्ड को देखते हैं। सपोज इन्फॉर्मेशन बोर्ड कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं कि आप लोग उसको लिखा होता है कि ये वाला होटल यहाँ पे है, या आप लोगों को कुछ चीज़ इंडिकेट हो रही है कि ये वाली दुकान यहाँ पे है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन बोर्ड आप लोगों को देखने को मिलते हैं जनरली। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर बहुत स्मॉल साइज का इन्फॉर्मेशन, अब ऐसा तो नहीं है कि खूब बड़ा आप लोग इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगा दें, ऐसा तो नहीं है। कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इतना ही आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन बोर्ड बनाना है। तो इसमें स्मॉल, मीडियम और हाई साइज आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो स्मॉल साइज के इन्फॉर्मेशन बोर्ड में कितना mm का आप लोगों को डायमीटर देखने को मिलता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। आंसर्स करो इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छे, 600 mm आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो देखो जब हम लोग स्मॉल साइज इन्फॉर्मेशन बोर्ड की बात करते हैं तो 600 देखने को मिलता है, मीडियम साइज की बात करते हैं तो 900 देखने को मिलता है, लार्ज साइज डायमीटर की बात करते हैं तो 1200 देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर्स करें सभी लोग, आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या होना चाहिए। तो देखो आप लोगों से बोला गया है टू प्राइमरी एयर पॉलिटेंट्स आर, जब आप लोगों से बोला जाता है दो टाइप के प्राइमरी एयर पॉलिटेंट्स कौन से हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन का आंसर्स करोगे, बी ऑप्शन को मार्क करोगे, सी के साथ जाओगे या डी को आंसर्स करोगे? फटाफट से आंसर्स करो इस क्वेश्चन का, सभी लोग आंसर्स करें। तो देखो जहां पे ओजोन दिख रहा है आपको, पराऑक्साइड, एसिटिल नाइट्रेट दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी पॉलिटेंट्स है। और जब ये सेकेंडरी पॉलिटेंट्स हैं तो तीन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा टू प्राइमरी एयर पॉलिटेंट्स के लिए? यस, आंसर जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के साथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ कि फ्रेश सीवेज का कलर कैसा देखने को मिलता है, आंसर्स करो इस क्वेश्चन का। तो फ्रेश सीवेज के कलर को आंसर्स करें सभी लोग, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ, वेरी गुड। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाएगा? देखो कह रहे हैं कि फ्रेश सीवेज का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, ग्रीन कलर होता है,
पिंक कलर होता है या ग्रे कलर को आंसर्स करोगे। जब हम लोग सेप्टिक सीवेज की बात करते हैं तो सेप्टिक मतलब बासी सीवेज कहते हैं। हाई ऑर्डर आप लोगों को इसका देखने को मिलता है, स्मेल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैसेस। गैसेस की फॉर्मेशन की वजह से उसमें क्या देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आपको देखने को मिलती है। और जब फ्रेश सीवेज के लिए बोला जाए तो फ्रेश सीवेज एल्कलाइन नेचर का होता है। और कलर पूछा जाए तो बताओ कौन सा कलर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, ग्रे कलर होता है। सेप्टिक सीवेज का कलर पूछ दिया जाएगा तो क्या आंसर्स करोगे, सेप्टिक सीवेज में आंसर्स करोगे आप लोग कि डार्क ब्राउन कलर देखने को मिलता है या ब्लैक कलर देखने को मिलता है, किसका, सेप्टिक सीवेज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करो, देखो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.43 दे रखा है, डिजाइन वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आर दे रखी है, रेडियस ऑफ द कर्व आप लोगों का क्या होगा। देखिए तो संजय कुमार जी, सुभाजीत ओझा जी, डेविड जी, सत्तू राणा जी, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ। इस क्वेश्चन का आंसर करें आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर्स होना चाहिए बताओ। देखो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, डिजाइन वेलोसिटी दे रखा है, तो रेडियस ऑफ कर्व क्या होगा। तो आपको पता है कि आर इज इक्वल टू क्या देखने को मिलता है, वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू ई प्लस एफ आप लोगों को देखने को मिलता है। और जब आप लोगों से डिजाइन वेलोसिटी बोली गई है 40 किलोमीटर पर आर, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा आप लोगों का अपॉन 127। ई की बात करें तो ई कितना है, 0.07। एफ की बात की करें तो 0.43 है। तो यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास कितना आ रहा बताओ, 30 मीटर आ रहा है, यस और नो। तो क्या आ गया यहां से रेडियस ऑफ कर्व, आंसर क्या जाएगा आप लोगों का, 30 मीटर जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों का, तो सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ, वेरी गुड। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, द मोस्ट इनकन्वीनियंट मेथड ऑफ पार्किंग इज, इस क्वेश्चन को आंसर्स करो। तो देखो अब यहाँ पे पहले जब क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था तो हम लोग कन्वीनियंट मेथड को देखते थे कि सबसे अच्छी पार्किंग कौन सी देखने को मिलती है। जब इनकन्वीनियंट मेथड की बात करें कि इस पार्किंग में अगर आप लोग करें, ऐसी पार्किंग इस एंगल पे अगर आप लोग पार्किंग करते हैं तो आपके जो नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे वो बहुत कम आप लोगों के वहां पे लग पाएंगे पार्किंग में। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे इनकन्वीनियंट पार्किंग कौन सी है, सभी लोग आंसर्स करें। इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या होना चाहिए। देखो सी ऑप्शन भी आ गया, बी भी आ गया। देखो ध्यान रखेंगे ये तीनों पार्किंग कन्वीनियंट है, आपको पता है कि ये तीनों पार्किंग को हम लोग पढ़ते हैं कि 45 डिग्री पार्किंग को सबसे कन्वीनियंट कहते हैं, 90 डिग्री पार्किंग को भी हम कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स आपके पास हो जाते हैं, पैरेलल पार्किंग में हम लोग कहते हैं कि स्पेस कम होती है तो 0 डिग्री एंगल पर पार्किंग करते हैं। तो इनकन्वीनियंट मेथड कौन सी होगी भाई, एक का आंसर आ रहा भाई, नवी राणा जी का करेक्ट आंसर आ रहा। तो इनकन्वीनियंट होगी 30 डिग्री की पार्किंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कन्वीनियंट जो कि आप लोग देखते ही हैं, 45 डिग्री पार्किंग को सबसे बेस्ट आप लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ व्हीकल्स, चाहे स्पेस की लिमिटेशन हो चाहे कोई भी लिमिटेशन हो, 45 डिग्री पार्किंग सबसे एफिशिएंट रहती है। 90 डिग्री पार्किंग हम लोग कहते हैं कि स्पेस की अगर हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है तो 90 डिग्री पार्किंग में करो तो आप लोगों के जो नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे वो मैक्सिमम पार्क हो जाएंगे। फिर जब अगर स्पेस की दिक्कत है, जगह कम है, तो हम लोग 0 डिग्री एंगल पार्किंग में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग व्हीकल्स को यूज करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर्स मार्क करो। बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते भाई, साफ साफ मैंने आपको बताया था कि उसमें ड्राफ्ट मैन का डिप्लोमा आप लोगों को मिलना चाहिए, आपके पास ड्राफ्ट मैन का डिप्लोमा होना चाहिए। बीटेक वाले कैसे कर सकते हैं उसमें अप्लाई, इस क्वेश्चन को आंसर्स करो, आंसर्स क्या जाएगा, सभी लोग आंसर्स करके बताएं आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर्स होना चाहिए इस क्वेश्चन का। 41 का डी आंसर जा रहा है, क्या डी ही आंसर करेक्ट होगा। देखो सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों से टॉलरेंस लिमिट, या हम लोग कह सकते हैं स्केल कैपेसिटी, टॉलरेंस लिमिट भी कहां, स्केल कैपेसिटी आपको गिवन है, तो आंसर करें इस क्वेश्चन को। तो देखो अगर 41 की बात करिए तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। सीमेंट में प्लस माइनस 0.3% ऑफ स्केल कैपेसिटी देखने को मिलता है, वाटर में प्लस माइनस 1%, एग्रीगेट में प्लस माइनस 2% और एडमिक्सचर में प्लस माइनस 3%, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर्स करो कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ वर्किंग वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, आंसर्स क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन, सभी लोग आंसर्स करें आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाएगा, फटाफट से आंसर्स करो।
तो हम लोग क्या कहते हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ वर्किंग वॉज इंट्रोड्यूस बाय, यस, F.W. टेलर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर. 43 को आंसर करें. क्रशिंग टेस्ट की बात हो रही है. व्हाट इज द साइज ऑफ ए स्पेसिमेन टू बी यूज. जब हम लोग क्रशिंग टेस्ट की बात करते हैं तो स्पेसिमेन के कितना साइज को आप लोग यूज करते हैं. 50x50x50. ऑप्शन नंबर बी को मार्क करोगे, सी के साथ या डी के साथ. देखिए तो पुष्पा जी, डेविड जी, विश्वासी सिंह जी, हकीम अंसारी जी, सभी लोग शानदार आंसर्स के साथ. भाई बहुत बढ़िया. इस क्वेश्चन का आंसर्स आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो देखो हम लोग क्रशिंग की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एग्रीगेट की बात करें, एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. तो जो स्पेसिमेन को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, वो स्पेसिमेन आप लोगों का कौन सा होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ द स्पेसिमेन? 43 का बी आंसर आ रहा है भाई, 100x100x100. वेरी गुड. जितनी बार आपको क्वेश्चंस कराएं उसके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आते हैं. तो 43 का आंसर्स क्या जाएगा? 40x40x40. ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर्स. 44 पे चलते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक एल्कली. तो ब्लैक एल्कली यहाँ पे कौन सी है बताओ? Na2CO3 है, Na2SO4 है, NaCl है या NOH है? डिप्लोमा सिविल वाले भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए ड्राफ्टमैन की आप लोगों का ड्राफ्टमैन का डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है. तो देखो अगर हम ब्लैक एल्कली बात कर सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर Na2SO4 और NaCl की बात करते हैं, ये दोनों की दोनों क्या है? व्हाइट एल्कलीज है. अब ये एल्कली प्रेजेंट होती है आपकी सॉइल में, जिसकी वजह से क्या होता है, आप लोगों की सॉइल बंजर होती जाती है. तो इस बंजर से रोकने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एडमिक्सचर्स को यूज करते हैं. जब Na2SO4 और NaCl की बात करते हैं, सिर्फ व्हाइट एल्कलीज आप लोग कहते हैं. इसमें हम लोग क्या करते हैं, लैंड को पूरी तरीके से सबमर्ज कर देते हैं, उसके बाद पानी को रिमूव कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं सारी एल्कलीज यहाँ से रिमूव हो जाती है और आपका जो लैंड है वो फिट हो जाता है कल्टिवेशन के लिए. और जब आप लोग किसकी बात करते हैं, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, Na2CO3 की, तो Na2CO3 आपको क्या देखने को मिलता है? ब्लैक एल्कली देखने को मिलता है. जनरली इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम को ऐड करते हैं. तो आंसर्स क्या होगा इस क्वेश्चन का, फटाफट से आंसर्स करो. मैम वैकेंसी कहां आई है? देखो वीडियो देख लो आप लोग, बीआरओ में वैकेंसी आई है. आंसर्स क्या जाएगा? Na2CO3. देखो जितना मेरी नॉलेज में है, मैंने आप लोगों की नोटिफिकेशन देखी है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो वहां पे लिखा है साफ साफ कि ड्राफ्टमैन का होना चाहिए. अब बाकी आप लोग देख सकते हो, आप लोग भी बहुत समझदार हो तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है? चलो आगे चलें. आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर्स करो. 1 लीटर ऑफ सीवेज की बात हो रही है, 30 मिनट का टाइम आप लोगों का लग रहा है, स्लज वॉल्यूम आप लोगों का 27 cm³ है, स्लज के आप लोगों का ड्राई वेट दे रखा है 3 ग्राम का, तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होगा इस क्वेश्चन में? आंसर्स करके बताएं सभी लोग, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर्स होना चाहिए इस क्वेश्चन का, फटाफट से आंसर्स करो. तो देखो हम लोग क्या कहते हैं, जब भी SVI स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की बात हो रही है, तो 27/3 हो जाएगा cm³/g. तो यहां से क्या आ रहा बताओ? 9 cm³/g आ रहा. इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर. तो किस किस का ए जा रहा? सभी लोगों का ए आंसर्स. तो 45 का ए आंसर्स आप लोगों का करेक्ट होगा. तो सभी लोग, एटलीस्ट जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें. और देखो आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, SSC JEE मेंस के लिए SSC JEE में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का सोल्यूशन में आप लोगों का 50% ऑफ है. लास्ट 10 साल के पेपर को आप लोगों को सॉल्व कराया जा रहा है. नेक्स्ट हम लोग बात करें टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज में भी आप लोगों का 50% ऑफ है. बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है. देखो आप लोगों की टेस्ट सीरीज में आप लोगों को 30 टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं. 30 टेस्ट कम नहीं होते भाई, बहुत होते हैं. 30 टेस्ट को बनाने में मेहनत भी कितनी होती है सोचो. तो अगर 30 टेस्ट की हम बात करें तो 30 टेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं. 15 आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज हैं, 15 आप लोगों के मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. तो देखो टेस्ट को बहुत अच्छे से लगाने लग जाओ, क्लास को बहुत अच्छे से लो, तो कहाँ जाएंगे क्वेश्चन? फिर क्वेश्चंस तो ठीक होंगे ही जब इतनी प्रैक्टिस अगर आप लोग कर लेते हो. नेक्स्ट ES लास्ट 15 साल के पेपर का सोल्यूशन आप लोगों को कराया जा रहा है, इसमें भी 50% ऑफ है. वैलिडिटी इसकी अभी 3 मंथ है, लेकिन इसकी वैलिडिटी आप लोगों की बढ़ जाएगी, क्योंकि जब तक ES के लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खत्म नहीं होंगे तब तक आप लोगों का ये कोर्स चलेगा. चलिए थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट. ध्यान रखें शाम को 8 बजे आप लोगों का LMRC पेपर का सोल्यूशन है, तो सभी लोग 8 बजे लाइव जरूर रहें. ये ना सोचे कि ऑफलाइन देख लेंगे, ऑफलाइन देख लेंगे सोचते सोचते 8-10 क्लासेस तो वैसे ही चली जाती हैं. चलिए थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट. थैंक यू.